हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, हम लोग आज पढ़ाई हम लोग पढ़ेंगे वापस, मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा दूंगी। कंज्यूमर और इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की जो मतलब अप्रोच है, वो दो अप्रोच होती है। पहली अप्रोच होती है कार्डिनल होती है और ऑर्डिनल होती है। हम कार्डिनल में पढ़ रहे हैं, और कार्डिनल को हम क्या बोल सकते हैं? यूटिलिटेरियंसिस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? यूटिलिटेरियंसिस। इसमें हमने एक लॉ पढ़ा था, उस लॉ का नाम क्या था? लॉ ऑफ डीएमयू। क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ डीएमयू। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम कोई कंजम्पशन करते हैं किसी चीज़ का, उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमें क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अभी फिलहाल हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा। तो हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। एक कमोडिटी के केस में हम पढ़ रहे हैं, दो कमोडिटी भी आज ही हम कंप्लीट कर लेंगे। तो एक कोई कमोडिटी है मान लो, और वो कमोडिटी में हमें कब ऐसा फील होगा कि हाँ हमें, हम जितना पैसा दे रहे हैं उतनी हमको वैल्यू मिल रही है, उतनी वैल्यू हमें मिल रही है। तो उसका एक सिंपल सा मतलब एक इक्वेशन है, वो ये है कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम यदि हो जाता है, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? उस सिचुएशन को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन बोलते हैं। अब ये क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन मैं बता, अभी फिलहाल तो आप सिर्फ देख लो कि एक सिर्फ नोट कर लो कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है। ये सिचुएशन होती है जब कंज्यूमर क्या फील करता है? कंज्यूमर तब फील करता है कि वो उसको जो मिलने वाली जो मतलब उसको जो जितना पैसा दे रहा है उतनी यूटिलिटी उसको मिल रही है। मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फील करता है। क्या फील करता है? कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम फील करता है। इसी फार्मूले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि एम यू एक्स अपॉन एम यू एम, एम यू एम इज इक्वल टू पी एक्स, ऐसा भी लिख सकता हूँ। अब ये है क्या? एम यू एक्स, एम यू मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी, एक्स मतलब कि वो कमोडिटी, उस मार्जिनल यूटिलिटी, उस कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी। पी एक्स मतलब उस चीज की कीमत, प्राइस। और एम यू एम यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मनी मनी को, मनी को हम कोई पर्टिकुलर यूटिलिटी हम मार्क्स दे रहे हैं, तो वो ये है। अब इसको मैं एक चार्ट के थ्रू और एक ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक, मान लो कि ये कमोडिटी है, ये कमोडिटी एक्स है, ठीक, और आप इसको कंज्यूम कर रहे हो। तो आप मान लो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, और आप इसको 7 तक ले गए, और इससे आपको कुछ यूटिलिटी मिलेगी। अरे यूटिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। इसको हम यूटिल्स में नापते हैं। किस में नापते हैं? यूटिल्स में। तो हम मान लो कि पहली जो यूनिट है उससे हमें मिल रही है 12 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। तो दूसरी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए? मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? कंजम्पशन जैसे जैसे बढ़ता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? कम होती है। कोई भी चीज़ को हम कंज्यूम करते हैं तो उसको कंज्यूम करने की इच्छा क्या होती जाती है? धीरे धीरे कम होती जाती है ना। जैसे आपको मैं एक चॉकलेट दूंगा, खाने की इच्छा ज़्यादा है, दूसरे की इच्छा क्या हो जाएगी? कम। तीसरे की और कम। आप सीधा एग्जांपल दूं, मैं आपको गुलाब जामुन खिला रहा हूँ, मान लो गुलाब जामुन आपको बहुत पसंद है, एक गुलाब जामुन खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, दूसरा खिलाया तो इच्छा थोड़ी सी कम हो जाएगी, तीसरे की इच्छा और कम होगी, चौथे की इच्छा और कम होगी। मतलब जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते हैं, जैसे आपकी इच्छा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये इच्छा ही है, इसका नाम क्या है? इच्छा। एम यू मतलब इच्छा, एम यू मतलब इच्छा, खाने की इच्छा। तो कम हो जाना चाहिए, 10 हो गई। तीसरा खाए, तीसरे की इच्छा और कम हो जाना चाहिए, चौथे की इच्छा और कम, पांचवे की इच्छा और कम। मैं दो दो कम करता जा रहा हूँ, चौथे की इच्छा और कम और कम, और जाके ले जाएंगे तो माइनस पहुँच जाएगा। यही होगा? अरे यही होगा कि नहीं होगा? यही होगा। अब ये तो था एम यू, क्या एम यू एक्स यानी कि उससे मिलने वाली यूटिलिटी, कोई चीज़ को कंज्यूम कर रहे उससे मिलने वाली यूटिलिटी। मैं इस एम यू एक्स को क्या कर रहा हूँ? एम यू एम से डिवाइड कर रहा हूँ। एम यू एम, एम यू एम का मतलब कि मनी की वैल्यू कितनी है। हम यहाँ मान रहे हैं कि एक रुपये की वैल्यू बराबर एक एम है, मतलब एक एम यू की वैल्यू अब एक ही मान रहे हैं। ठीक, तो हम इन सब को, जैसे 12 को हमने एक से डिवाइड कर दिया, क्या आएगा? 12 ही आएगा।
दस को हमने एक से डिवाइड कर दिया क्या आएगा, दस ही आएगा। आठ को हमने एक से डिवाइड कर दिया आठ ही आएगा। छः को हमने एक से डिवाइड कर दिया छः ही आएगा। चार को हमने एक से डिवाइड कर दिया चार ही आएगा। दो को हमने एक से डिवाइड किया तो क्या आएगा, दो ही आएगा। जीरो को डिवाइड किया तो जीरो ही आएगा। माइनस टू को डिवाइड किया तो माइनस टू ही आएगा। ठीक, एक रुपये की वैल्यू हम एक रुपये ही मान रहे हैं। अभी ऐसा कैसे तुम्हारे दिमाग में से आता हुआ नहीं भाई, एक रुपये की वैल्यू एक रुपये, ये क्या, ये कौन सी बात हुई? देखो मैं इससे थोड़ा हट के एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। पाकिस्तान का जो एक रुपया है और हमारा जो एक रुपया है उसकी वैल्यू एक बराबर है क्या? अलग अलग है ना। हमारे यहाँ का एक रुपया मांग के दो रुपये के बराबर है, ठीक है। और तो जो है करेंसी की वैल्यू जो है वो कंट्री टू कंट्री, एरिया टू एरिया, मतलब वरी करेगी। आज यदि कोई आदमी ये जैसे अपने गांव में रह रहा है, 10,000 रुपये कमा रहा है, तो 10,000 रुपये कमा रहा है, और वही एक आदमी बम्बई में है 10,000 रुपये कमा रहा है। यहाँ 10,000 रुपये कमाने वाला आदमी मिडिल क्लास है, बम्बई में 10,000 रुपये कमाने वाला गरीब आदमी है ना, क्योंकि 10,000 रुपये में तो वहाँ किराया नहीं निकलेगा घर का, राइट है। तो मनी की वैल्यू अलग अलग जगह अलग अलग रहेगी। तो हमें कोई ना कोई एक मेजरमेंट लेके चलना है, तो हम एक फिक्स मेजरमेंट लेके चल रहे हैं कि एक रुपये की वैल्यू हम फिलहाल एक रुपये ही मान रहे हैं। तो हमने एक से इसको डिवाइड कर दिया, कर दिया। इसके बाद में हमने देखी इसकी प्राइस क्या है। मान लेता हूँ मैं कि ये जो जो पर्टिकुलर कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं, इसके प्राइस हमने मान ली चार रुपये। कितने रुपये हैं? चार रुपये। कितने रुपये हैं? चार रुपये। कितने रुपये हैं? चार रुपये। कितनी है? चार रुपये। आप, मैंने बोला था कि ऐसी कंडीशन जहाँ आ जाए, ऐसी कंडीशन यहाँ आ रही है, ऐसी कंडीशन यहाँ आ रही है, आ रही है ना। एम यू एक्स अपॉन डिवाइड बाई एम यू एम इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू पी एक्स हो गया बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कितनी यूनिट खरीदना चाहिए उस चीज़ की, उस चीज़ की हमको 5 यूनिट खरीदना चाहिए। हम उसके लिए एक यूनिट खरीदते हैं तो हमें मिलने वाली यूटिलिटी कितनी है? 12। मन में ऐसा फील हो रहा है कि 12 यूटिलिटी है। और पे कितना कर रहे हैं? 4 ही पे कर रहे हैं, तो हमें बेनिफिट है, फ़ायदा है। यहाँ पर हम कैसा फील कर रहे हैं? यहाँ भी फायदा फील कर रहे हैं, यहाँ भी फायदा है, यहाँ भी फायदा है। बस यहाँ के बाद नहीं क्या होने लग जाएगा, नुकसान फील होने लग जाएगा। तो हमें ज़्यादा कितनी यूनिट खरीदना चाहिए उस चीज़ की? 5 यूनिट खरीदना चाहिए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यही आपको बता रहा है, ठीक। तो हम कब तक खरीदते रहेंगे? जब तक हमको गेन होता रहेगा। यहाँ पर गेन हो रहा है, कितने गेन हो रहा है? 8 का गेन हो रहा है। यहाँ पर गेन कितना हो रहा है? 6 का। यहाँ पर गेन कितना हो रहा है? यहाँ पर गेन 2 का। यहाँ पर 0, यहाँ पर -2, यहाँ पर। तो जब तक हमें गेन जो है, बस गेन 0 हो जाए हमारा, या गेन बस इसके आगे माइनस जा रहा है, वहाँ हम रुक जाएंगे बस, कि ये इतनी यूनिट हमको खरीदना चाहिए, इतनी यूनिट हमें खरीदना चाहिए। क्योंकि यहीं पर ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की हमारी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। यहीं पर क्या फुलफिल हो रहा है कि एम यू एक्स अपन डिवाइड बाई एम यू एम इज इक्वल टू पी एक्स, मतलब कि जितना हमको यूटिलिटी मिल रही है उतना ही हम पैसा पे कर रहे हैं। तो यही कंडीशन क्या कहलाएगी? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कहलाएगी। इससे ऊपर भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है और इससे भी नीचे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो एम यू एक्स अपॉन एम यू एम इज क्या है, इज ग्रेटर देन पी एक्स। और यहाँ पर क्या है? एम यू एक्स अपॉन एम यू एम इज लेस देन पी एक्स, मतलब जितनी उसकी प्राइस है उससे हमें कम यूटिलिटी मिल रही है, जितनी उसकी प्राइस है उससे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, तो हम नोट खरीदते रहेंगे, खरीदेंगे, है ना भाई। जब तक आपको ऐसा फील हो कि हाँ यार हमें फ़ायदा है, तब तक आप चीज़ खरीदोगे। और जहाँ ऐसा लगे कि बस अब यार इससे ज़्यादा खरीदने में फ़ायदा नहीं लग रहा है, तो फिर आप खरीदोगे क्या? फिर आप नहीं खरीदोगे। यानी कि ये व्यक्ति, यानी कि ऑन एन एवरेज लोगों कितने पीस खरीदेंगे इसके? 5 पीस खरीदेंगे लगभग। लोग कितने पीस खरीदेंगे? 5 पीस। देखो ऐसा कोई एग्जैक्ट कोई कैलकुलेशन करता नहीं है, लेकिन ये कंज्यूमर की साइकोलॉजी समझने की बात है। मान लो आपका कोई प्रोडक्ट है,
वो प्रोडक्ट पर आप डिस्काउंट देना चाहते हो, है ना, क्या हम कम प्राइस कर दे तो लोग ज़्यादा खरीद लेंगे। पर लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि लोग भले कम प्राइस भी कर दें तो कितने खरीदेंगे, लोग ज़्यादा कितने खरीदेंगे। यहाँ पर ये 5 यूनिट खरीदेंगे, 5 यूनिट खरीदेंगे। इससे ज़्यादा तुम डिस्काउंट दोगे भी तो भी कोई कंज्यूमर जो है आपकी तरफ इंटरेस्ट नहीं लेगा खरीदने में, ज़्यादा और डिस्काउंट देने का फायदा नहीं है। यानी कि आप जैसे मान लो कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट के आप बंडल बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, बंडल बनाना चाहते हो, तो इस सिचुएशन के हिसाब से ये मान लो आपका प्रोडक्ट जो है उस पर सिचुएशन फिट बैठ रही है मान लो, तो फिलहाल कितने पैक के मतलब कितनी चीज़ों के बंडल बनाओगे आप, 5 से ज़्यादा के बनाओगे या 5 से कम के बनाओगे, 5 के बनाओगे या 5 से कम के बनाओगे, और ऑप्टिमम लेवल क्या है, 5 है, तो 5 का एक पैक बना दोगे, 5 का एक पैक बना दोगे, क्योंकि 5 लेवल 5 तक क्या व्यक्ति क्या कर रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार फायदा है तो ले लेगा। तो जिस जो व्यक्ति 1 पैकेट लेने वाला था हो सकता है वो 5 पैकेट भी ले ले, क्योंकि आप उस पर कुछ डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, समझ रहे बात को। तो हमें क्या है कंज्यूमर की साइकोलॉजी समझना है कि जो है वो कितनी चीज़ खरीद लेगा, कितने पैकेट ले लेगा। तो यही चीज़ें आपको समझा रहा है क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय यूटिलिटी एनालिसिस, बाय यूटिलिटी एनालिसिस। अब इसी बात को यदि आप एक ग्राफ के थ्रू प्लॉट कर देंगे, क्या कर देंगे, एक ग्राफ के थ्रू प्लॉट कर देंगे तो क्या क्या मिलेगा आपको। आपने ये प्लॉट किया, आपको ये मिलेगा आपका जो मार्जिन यूटिलिटी है कम कम होती जा रही है, देख रहे हैं आप लोग मार्जिन यूटिलिटी कम कम होती जा रही है, और प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। तो ये प्राइस का है मान लो, ये PX है, कहाँ पे क्रॉस हो रही है, 5वें पर, यानी कि ये यहाँ पर 5 होगा, 5 यूनिट होगी यहाँ पर, या 1 होगी या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 होगा, फिर 7 होगा। पर लेकिन जो आपको जहाँ आपको फ़ायदा मिल रहा है वो कौन सी है जगह है, ये है। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, कंज्यूमर, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक इस तरीके से आप ग्राफ पर भी प्लॉट इसको कर सकते हैं, यही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। ठीक, 2 कमोडिटीज में भी आगे हम बढ़ते हैं, तब तक लिए नोट कर लो। तो आप लोगों ने अभी पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। अब ये जैसे कि आपको मैंने क्वेश्चन दे रखा था कि मान लो हम कुछ कमोडिटी यूटिलाइज मतलब वो कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो एक्स जो है मान लो एक्स नाम का प्रोडक्ट है, उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती जा रही है, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0 ऐसा हो गया। और हमने देखा कि जहाँ पर PX के बराबर ये हो गया, क्या हो गया, MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू PX जहाँ हो गया उसको हमने क्या मान लिया, उस सिचुएशन को हमने मान लिया क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। अब 2 कमोडिटी मान लो, 2 कमोडिटी है मान लो कि एक YB है, क्या है, YB है, तो YB है तो क्या हो जाएगा कि MU Y हो जाएगा, या X के जगह क्या हो जाएगा, Y अपॉन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, MU M, ये तो रहेगा इसे इज इक्वल टू PX हो जाएगा। तो जहाँ पर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, वो इनका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक, 2 कमोडिटी है तो उस केसेस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा, ये वाली बात। तो ये मैं एक तो यही मान रहा हूँ कि एक्स है और इससे मिलने वाली यूटिलिटी यही है, मुझे मार्जिन यूटिलिटी यही है। ठीक, अब मैं दूसरे को लेता हूँ, दूसरा मतलब वाई लेता हूँ, मैं MU Y लेता हूँ, है ना, और MU Y मैंने लिया कि इसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, मान लो इस पहले ही से हमें 10 यूनिट मिल रही है, यूटिल्स मिल रही है, दूसरे से 8 मिलेगी, तीसरे से 6, चौथे से 4, 2, 0, -2, -1 ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है ना, हो सकता है, हो सकता है। अब
इसकी भी मार्जिन यूनिट या मनी क्या है, वन ही मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ मैं, वन। तो एम यू वाई को मैं एम यू एम से डिवाइड कर रहा हूँ। एक रुपये की वैल्यू कितनी है, एक रुपये ही मान रहे हैं। ठीक, ये दो भी ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं, ऐसा इसलिए ये सब दिखा रहे हैं, अदरवाइज दिखाने की जरूरत नहीं। इसको दस को एक से डिवाइड किया कितना आएगा, दस को एक से डिवाइड करके दस ही आएगा। आठ को एक से डिवाइड करें तो आठ ही आएगा। छः को एक से डिवाइड करें तो क्या आएगा, छः। चार को एक से डिवाइड करेंगे तो चार। दो को एक से डिवाइड करेंगे तो दो। फिर जीरो को एक से करेंगे तो जीरो। फिर यही माइनस टू आएगा और ये माइनस फोर आ जाएगा। यही बात है, अरे यही बात है कि नहीं है। अब मैं देख रहा हूँ कि उस चीज़ की जो प्राइस है वो क्या है, प्राइस क्या है। प्राइस अभी भी मैं मान रहा हूँ कि फोर रुपीज़ है। कितना है, फोर रुपीज़ है। तो फोर रुपीज़ है, तो देखो आप यहाँ की प्राइस है फोर 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 फोर। अब यहाँ आपको दो चीज़ देखने को मिलेगी। पहले हम एम यू एक्स का देख लेते हैं। एम यू एक्स का तो यहीं पर ही है, हमें ये फोर यूटिलिटी मिल रही है। तो एक तो यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है कि एक्स को तो हमें कितनी यूनिट खरीद लेना चाहिए, पाँच। और वाई का हम देखेंगे कि वाई को एक कहाँ पे कम हो रही है। वाई देखो ये हम डिवाइड किया हमने, ये यहाँ आया चार। तो वाई के लिए क्या बता रही है कि वाई के लिए ये यहाँ पर बराबर बराबर हो रहा है। पी एक्स बराबर ये बराबर हो रहा है यहाँ पर, ऐसा ये यहाँ पर बराबर हो रहा है, ये हो रहा है ना बराबर। तो वाई की कितनी खरीद लेना चाहिए, चार यूनिट। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, जहाँ पर वो वाई की तो कितनी यूनिट खरीदे, चार, और एक्स की कितनी यूनिट खरीदे, पाँच। एक्स की कितनी यूनिट खरीदे, पाँच। तो वहाँ पर क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक कंडीशन फुलफिल हो रही है। कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है, देखो यहाँ पर पहले हम एक्स की बात कर लेते हैं। एम यू एक्स डिवाइड बाई एम, एम यू एक्स डिवाइड बाई एम, फोर डिवाइड बाई वन, फोर डिवाइड बाई वन आ रहा है। फिर एम यू वाई, एम यू वाई कहाँ पर है, फोर, ये रहा, फोर डिवाइड बाई वन आ रहा है। इज इक्वल टू क्या होना है, पी एक्स, पी एक्स बोले तो फोर हो रहा है। ये इस सिचुएशन में ही फुलफिल हो पा रहा है। तो हमारा आंसर क्या रहा है कि कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही बाय फोर यूनिट ऑफ, ही और सी बाय फोर यूनिट ऑफ वाई एंड फाइव यूनिट ऑफ एक्स। हो गया आंसर, ठीक। तो ये उसका शेड्यूल था और ये उसका जो है आप मतलब अल्टीमेटली जो उसकी कंडीशन है वो कंडीशन ही आ रही है। ठीक, इसको आप एक ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। मान लो तो दो आमने सामने वाले ग्राफ बना लो, एक साइड एक्स का बना लो, एक साइड वाई का बना लो। तो इसमें देखेंगे आपकी प्राइस की लाइन तो एक जैसी रहेगी। एक्स को आपने ये बनाया, वाई को आप बनाएंगे तो इस साइड से आएगा वो, तो ये कोई पॉइंट आया। अब ये पॉइंट क्या रहेगा कि इसकी यूनिट तो आएगी, इसकी यूनिट तो कितनी आएगी, चार। वाई की यूनिट कितनी आएगी, चार। और इधर से मान लो हम एक्स की यूनिट भी लगा रहे हैं तो एक्स की यूनिट कितनी आएगी, पाँच। वाई की आएगी चार और एक्स की कितनी आएगी, एक्स की कितनी आएगी, पाँच। और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या कहलाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये क्या है, एम यू एक्स है, ये कौन है, एम यू एक्स। और ये क्या है, एम यू वाई है, कहाँ है, एम यू वाई, जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, है ना, और जहाँ ये प्राइस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, वो वाला पॉइंट को क्या कहलाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या कहलाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो जहाँ जिस जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट होंगे उसी जगह वो क्या कहलाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगी। ठीक, आगे बात सुन में, आई होप कि आपको क्लियर हुई होगी, आप इसको नोट कर लो। ठीक, थैंक यू वेरी मच। We'll be right back.